नमस्ते फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। मुंबई स्टाइल वड़ा पाव की रेसिपी जो छोटे से लेकर बड़े तक पसंद आती है, और इसे बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप घर पर एंजॉय कर सकते हैं वड़ा पाव को। इसे बनाने के लिए मैंने अदरक ली है 4-5 लहसुन की कलियाँ, कड़ी पत्ता लिया है, हरा धनिया लिया है कट करके, हरी मिर्च लिए है 5-6। अब हमें मिर्ची हरी मिर्च का एक पेस्ट बना करके लेना है। मैंने आलू को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैंने मिर्ची का पेस्ट बना करके रख दिया है फ्रेंड्स। ऐसे मिर्ची का पेस्ट डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। एक बाउल लेके हमें उसमें चने का आटा लेना है। मैंने 5 चम्मच चने का आटा लिया है फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ी सी ये अजवाइन डालनी है इसमें। लाल मिर्च पाउडर डालनी है 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच इतने ही हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालना है, और इसे सूखे में ही मसाले अच्छे से मिक्स करके लेने हैं। हमें घोल को बहुत अच्छी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। मसाले अच्छे से मिक्स होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थिक सा बैटर बना करके लेते हैं। एकदम आप बाहर के जैसे वड़ा पाव बना सकते हैं घर में और एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगते हैं वड़ा पाव। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें बैटर को रेडी करना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, घोल पतला हो सकता है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इस हिसाब से हमें घोल को रेडी करके रख देना है साइड में। आप देख सकते हैं, अब इसे मैं 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। जब तक हमारे आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मैंने उसका छिलका भी उतार दिया है। आप देख सकते हैं, अब इसे हमें मैश करके लेना है। एक मैशर की मदद से मैंने इसे मैश करके ले लिया है। अब इसे तड़का लगाने के लिए मैंने पैन में रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें तेल भी डाला है, तेल बहुत कम लिया है फ्रेंड्स। अब 1/2 चम्मच राई, राई को चटकने देना है। 1/2 चम्मच जीरा ऐड करना है, कड़ी पत्ता, और जो हमने हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बना लिया था इसे भी ऐड करना है। ये तेल में भूनने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा उतरता है मसालों में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स इस तरह से बनाएंगे तो। आप मिर्ची को चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट करने से इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। 1/2 चम्मच इतनी हल्दी पाउडर डाली है, स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, वो ऑप्शनल है। अच्छे से मसाले मिक्स करने के बाद जो हमने आलू को मैश करके लिया था उसे ऐड करके पूरे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके गैस को ऑफ कर देना है। इसे पकाना नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपके साथ एक सीक्रेट चटनी भी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो वड़ा पाव के साथ लाल चटनी आती है, वही बहुत ही टेस्टी लगती है वो चटनी। हरा धनिया डाला है अभी, और अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा होने के लिए रख देना है साइड में। मैंने अच्छे से मिक्स करके करके ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक मैंने एक तरफ तेल गरम करने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स, अब बैटर भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके हमें बॉल साइज़ के छोटे छोटे बॉल बना करके लेने हैं। आप चाहे तो इसे फ्लैट भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने राउंड में ही बनाए हैं, मीडियम साइज़ के बनाए हैं। मैं इसी तरह से पूरे बड़े बना करके रख देती हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने बना करके रख दिए, मैंने कुछ छोटे बड़े बनाए हैं। अब एक वड़ा लेके हमें बैटर में डाल के उसे बैटर से अच्छे से कोटिंग करके फ्राई होने के लिए डाल देना है तेल में। तेल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए। मैं इसी तरह से सारे बड़े इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड्स। हमें दोनों साइड से अच्छे से इसे फ्राई करके लेना है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली के साथ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को।
नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने दोनों तरफ से अच्छे से वड़े को फ्राई करके ले लिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे निकाल करके रख देती हूँ एक प्लेट में, मैंने निकाल करके रख दिया है फ्रेंड्स एक प्लेट में। बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ही पसंद है वड़ा पाव। अब मैं थोड़ा सा बचा था बैटर, उसके थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ फ्रेंड्स, इसकी हम चटनी बनाएंगे फ्रेंड्स। इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मेथड। एक मिक्सर जार में मैंने जो पकौड़े बनाए थे उसे भी ऐड किया है, लहसुन को भी डाला है। लहसुन के छिलके नहीं उतारने हैं, वैसे डाल देना है, उसमें बहुत टेस्ट आता है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक डालना है और इसे ग्राइंड करके लेना है फ्रेंड्स, और जीरा भी डाला है थोड़ा सा। देखिए मैंने इसे ग्राइंड करके ले लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और खाने में टेस्ट बहुत ही बढ़िया देगा फ्रेंड्स। ये मैंने पाव को अच्छे से बीच में से कट करके लिया है, जो हमने चटनी बनाई थी इसके अंदर फिल करके हमें वड़ा रख के हरी मिर्ची के साथ सर्व करना है। गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम मुंबई स्टाइल है फ्रेंड्स। आप भी मुंबई का वड़ा पाव घर में बैठ के ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले रेसिपी में।